तो गाइस मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। रश्मि देसाई के निकल चुके हैं आंसू जब उनको पता चला कि उमर रियाज हो रहे हैं घर से बेघर। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रश्मि देसाई है वो वाइल्ड कार्ड में ऐसा आई थी घर के अंदर, और उसी दौरान ही इस रश्मि देसाई की पहले से ही बॉन्डिंग जो है उमर रियाज के साथ बाहर से ही है, और उनके भाई के साथ आसिम रियाज के साथ भी है। और रश्मि देसाई को पता है कि बाहर किसका नगाड़ा बज रहा है, किसको ज्यादा जनता बाहर प्यार कर रही है, और उनको इसके बारे में बाखूबी पता है कि उमर रियाज जो है वो घर से बेघर नहीं हो सकते हैं, उनके पास विनर क्वालिटी है और वो आगे जाएंगे। पर इस बार के वीकेंड के वार पे जिस तरीके से मेकर्स ने जो गलत डिसीजन लिया है, ये डिसीजन सुनने के बाद जो है करण कुंद्रा तो रोए ही, पर वहीं पर उमर रियाज को खोके जो है रश्मि देसाई भी चुप नहीं बैठ पाई, वो भी फूट फूट के रोती हुई नजर आई। और उस दौरान ही वो शॉक इतनी ज्यादा हुई, और इसी दौरान ही सोर्सेज से ये अपडेट आ रही है कि रश्मि देसाई ने ये भी बोला कि मैं यकीन ही नहीं कर सकती हूँ कि उमर रियाज मेरे से पहले घर से चला जाएगा, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता है, जनता उसको इतना ज्यादा प्यार करती है। अभी ये चीज आप लोगों को दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी उसके बारे में तो नहीं पता है, पर रश्मि देसाई सब चीजें बाहर से देख के आई थी, उनको पता था कि उमर रियाज को बाहर बैठी हुई जनता कितनी ज्यादा प्यार कर रही है, और उनको भी कॉन्फिडेंट था कि जनता जो है इनको, चाहे वो नॉमिनेशन में आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो जनता जो है उमर रियाज को घर से बेघर नहीं कर सकती है। और इस चीज के बारे में जानने के बाद कि उनको जनता ने ही घर से बेघर किया है, तब रश्मि देसाई काफी ज्यादा शॉक हो गई और फूट फूट के रोने लग गई अपने दोस्त को बाहर जाते हुए देख के। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।